सर एसबीआई देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सर एसबीआई में शॉर्ट टर्म के लिए कोई व्यू नहीं है। जैसे कि मैंने अभी नहीं इंटरव्यू के बिल्कुल शुरुआत में एक बात कही थी कि मैं पर्टिकुलरली बैंकिंग के लिए और आईटी के ये दोनों सेक्टर में मैं अभी फिलहाल मेरा कोई स्टांस बुलिश नहीं रख रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि मार्केट को अगर कोई चीज खराब करेगी तो आईटी और बैंक रहेगी। रीजन ये है कि जैसे यूएस मार्केट भी अभी जिस तरीके का स्लो डाउन की डर से वापस नीचे आना शुरू हुआ है, बॉन्ड यील्ड्स का बढ़ना मतलब ये क्लियर कट इंडिकेशन होता है कि इंटरेस्ट रेट के अंदर बढ़ोतरी हो सकती है। अगर इंटरेस्ट रेट हॉकिश रहेगा तो उसका अल्टीमेटली इंपैक्ट पूरे ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर होगा। जापान के अभी जो करेंसीज की अगर हम लोग रिसेंट अगर व्यूज देखें कि जापान और यूरो ये दोनों भी इनके लाइफ टाइम लो के ऊपर चल रहे हैं, तो बैंकिंग के लिए थोड़ा आने वाला टाइम थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहेगा। और दूसरी जिनकी सेटलमेंट डॉलर के अलावा किसी और भी करेंसी में हो रही है तो अल्टीमेटली प्रेशर बैठ रहा है वहां पे आईटी में ड्यू टू नॉन इन्वेंट्री लॉकअप्स एंड ऑल, तो वो भी एक सेक्टर थोड़ा सा ये रहेगा। लेकिन स्पेसिफिकली अगर एसबीआई की अगर बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म के लिए इसको बाइंग नहीं करना है। ये स्टॉक डेफिनेटली 15-20 रुपए तक नीचे मिल सकता है, यहाँ से 4-5% तक नीचे मिलेगा तब इसके अंदर बाइंग बनाना चाहिए। कोई अगर अनप्रेसिडेंटेड अनाउंसमेंट होती है या कोई ऐसी चीजें निकल के आती है और बैंकिंग में बूम हो जाता है तो ये कंट्रोल के बाहर की बात है। पर यहाँ से अगर 3-4% की अगर गिरावट आती है, 495 से 500 की रेंज में आती है तो 10-12% तक का अपना फंड डिप्लॉय कर सकते हैं सर। गिरावट में खरीदारी किराए कह रहे हैं अभी नहीं।